राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर आज फिर हाजिर हो गई हूँ। तो दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जाऊंगी, सावन का महीना चल रहा है। सावन में जो है कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और माँ पार्वती का जो है आपको जो है आशीर्वाद इस सावन के महीने में मिलता है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियों के लिए जो लोग सावन के महीने में व्रत रखते हैं, चाहे आप 4 सावन के व्रत रखिए चाहे 16 सावन के व्रत रखिए, इस महीने में जो है आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो आज मैं आपको सावन का दूसरे सोमवार का व्रत, जो आप दूसरा सोमवार आएगा सावन का जो कि 13 जुलाई को है, उसमें आपने क्या कार्य करना है जिससे आपके जीवन की हर समस्या का जो है वो दूर होती चली जाए। जैसे मैंने आपको पहले सोमवार का भी आपको बताया था कि आपको इस टाइम पीरियड पे क्या करना है, आज मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे सोमवार पे ऐसी क्या अद्भुत आपने चीज जो है वो भगवान भोले पे चढ़ानी है और भगवान शंभूनाथ जो है वो आपसे जो है वो इतने खुश हो जाएंगे कि आपको जो है कुछ भी आपको जो है वो वरदान जो है वो आपको मिलेगा, मन चाहा वरदान आपको मिलेगा। जितने श्रद्धा भाव से हम लोग उपाय करते हैं उतनी ही जल्दी हमें जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुमा कि जो है हमें रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा। मैं उनको बोलती हूँ कि जितनी जल्दी और जितने अच्छे भाव से आप जो है उस उपाय को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको जो है रिजल्ट जो है वो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आप अपने कर्म करते जाइए क्योंकि कर्मों से ही इंसान की जो है वो प्रगति होती है। अगर हम सोचते रहे कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा और अगर हम अपने भाग्य पे चीजें छोड़ दें कि मेरे भाग्य में जो मिलेगा होगा वही मिल जाएगा, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही हो जाएगा, तो ऐसे में इंसान कर्म तो करेगा ही नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। भाग्य का लिखा जो है कहते हैं कि कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कर्मों से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, कर्मों से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने भाग्य को चमकवाया है और अपनी पत्नियों को दिखाकर अपने भाग्य के उपाय जो है वो करते रहते हैं ताकि हमारा भाग्य जो है वो हमारा खुलता रहे। तो भगवान भोले के जो है समक्ष दूसरे सोमवार को, सावन के दूसरे सोमवार को क्या करना है आपको महा उपाय, आपने क्या करना है कि सच्चे मन से 108 बेल पत्र जो आपके, देखिए बेल पत्र होते हैं, बिल्व पत्र भी उसको बोलते हैं, 108 बेल पत्र आपने लेने हैं और जब आप उसे तोड़ेंगे तो आप उस एक एक बेल पत्र को तोड़ते समय एक साफ सा कपड़ा लेके जाएंगे, सफेद रंग का मलमल का कपड़ा अपने घर से लेके जाएंगे और सारे बेल पत्र या आप उसमें डालते चले जाएंगे, सारे बेल पत्र उसमें डालते चले जाएंगे 108 गिनकर उनको गंगा जल से धोकर आपने शंभूनाथ शिव शंभू की पिंडी पे आपने जो है वो सारे बेलपत्र जो है वो चढ़ाने हैं। पूरे 108 के 108 बेलपत्र आप इमेजिन कीजिए कि आपने शिव भोले पे आपने जो है सारे बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, उनकी पूरी गिलहरी में आपने 108 बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। तसल्ली से कीजिएगा ये काम, तसल्ली जितनी तसल्ली से करेंगे उतना ही जल्दी आपको क्विक रिजल्ट जो है इस उपाय का मिलेगा। और थोड़ी सी साथ में बर्फ जरूर लेके जाइएगा। गर्मी का मौसम है, सावन का महीना तो आ गया लेकिन बारिशें शुरू नहीं हुई है अभी, थोड़ी सी अपने घर से जो है बर्फ को भी लेके जाइएगा और वो बर्फ भी जो है आपने वो बेलपत्र के साथ में आप जो है वहां पर चढ़ा कर आइएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया है और कुछ भी भोग अपने घर से, चाहे खीर बनाकर ले जाइए, चाहे आप एक फली ले जाइए, चाहे आप कोई सा भी फल आप लेके जाइए और ये जो है एक साथ ही कार्य करके आइए, आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार आपको देखने को मिलेगा। भगवान भोले की आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके सभी रुके हुए, सभी अटके हुए, सभी बंधे हुए, सभी जो है बंद पड़े हुए रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएंगे और ऐसा ताले की आपको चाबी मिलेगी और वो भगवान आपकी ऐसी चाबी को खोलेंगे, ऐसा ताला आपका खोलेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। करके देखिए ये उपाय 13 जुलाई को, करके देखिए ये उपाय। और ऐसे ही और हफ्ते के हफ्ते सभी उपायों को लेकर मैं आती रहूंगी। अगर आपने इस प्रकार से उपाय किए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया है। तो दूसरे सोमवार का, सावन के दूसरे सोमवार का क्या करना है व्रत में, क्या आपने उपाय क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। जो लोग व्रत रखते हैं
वो एज इट इज अपना व्रत रखें और साथ में उपाय जो जरूर करें, और ऐसे ही और उपाय लेकर मैं आती रहूंगी। लेकिन अंत में आपको अगर मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। राधे राधे।